सब अच्छा है भैया, स्थिति बहुत अच्छी है। आज सभी की निगाहें टिकी है लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट पर। आज फाइनली पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी बीच जिन पार्टीज ने बॉलीवुड और टीवी के तमाम सेलेब्स को लोकसभा इलेक्शन में उतारा, उनको लेकर फैंस के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार मेरठ सीट से रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल को अपना कैंडिडेट बनाकर उतारा। ऐसे में आज जब रिजल्ट है तो अरुण गोविल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अरुण गोविल मेरठ सीट से काफी आगे चल रहे हैं और ऐसे में उनकी जीत की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें, अरुण गोविल का मुकाबला चल रहा है समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा के साथ में। ऐसे में आंख मिचोली का जो खेल है वो जारी है। कभी सुनीता वर्मा आगे हो जाती हैं तो कभी अरुण गोविल। लेकिन बताया जा रहा है कि छोटे पर्दे पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ सीट से जीत सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार अरुण चंद्र प्रकाश गोविल पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ में हुआ। उनका बचपन शाहजहापुर में बीता और वहीं कॉलेज की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की। अरुण गोविल इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए इंजीनियरिंग साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामायण में राम का किरदार निभाकर ना सिर्फ अरुण गोविल को एक अलग पहचान मिली, बल्कि घर घर में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाने लगा। अयोध्या मंदिर के बनने के बाद अरुण गोविल को चुनावी रण में उतारा गया और जिस तरीके से वो लगातार मेरठ सीट से बढ़त बढ़ाए हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अरुण गोविल ये चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि चुनावी अग्नि परीक्षा में पास होते नजर आ रहे हैं रामायण के राम अरुण गोविल। जिस तरीके से अभी काउंटिंग चल रही है और जिस तरीके से कैंडिडेट कभी आगे कभी पीछे हो रहे हैं, ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जिस तरीके से रामायण के राम लगातार काउंटिंग में आगे चल रहे हैं, शाम होते होते कहीं ऐसा ना हो कि खेल ही पूरा पलट जाए। लेकिन शुरुआती रुझानों में ये बड़े दावों के साथ किया जा रहा है कि अरुण गोविल जीत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।